उधर पुतिन की नई नवेली पनडुब्बी से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की बेलग्रेड नाम की ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन। इस महीने की शुरुआत में ही रूस की नौसेना ने उसकी डिलीवरी ली थी और तभी से ही दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि रूस की ये विशाल पनडुब्बी समंदर में नया शीत युद्ध छेड़ सकती। क्योंकि रूस की ये सबमरीन असल में उसका ऐसा जासूस है जो पानी में छिपे रहकर दुश्मन के बारे में एक एक जानकारी तो जुटाएगी ही, रूस के परमाणु हथियार रखने का जरिया भी होगी। रूस की बेलग्रेड पनडुब्बी 608 फीट लंबी है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन आज तक किसी देश ने नहीं बनाई, अमेरिका ने भी नहीं। उसके पास भी इतनी लंबी पनडुब्बी नहीं है। अमेरिका के पास जो ओहायो क्लास सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स की सुई रूस की पनडुब्बी की लंबाई पर अटकी है। उन्हें शक है कि रूस ने अपनी पनडुब्बी इतनी ज्यादा लंबी इसलिए बनाई है ताकि दुनिया का पहला परमाणु हथियारों से लैस स्टेल्थ टॉर्पीडो उसके अंदर फिट हो सके। और अगर ऐसा हुआ तो समंदर में रूस और अमेरिका की पनडुब्बियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएंगी और उनके आमने सामने आने की वो घटनाएं फिर आम हो जाएंगी जो कि 30 साल पहले कोल्ड वॉर के वक्त होती थी। क्योंकि रूस की पनडुब्बी उसके पोसाइडन न्यूक्लियर अंडरवाटर ड्रोन को रखने के लिए बनाई गई है और पोसाइडन पुतिन के 6 सुपर वेपन में एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। वो ऐसा हथियार है जो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। खुद अमेरिका में रक्षा विशेषज्ञ मान चुके हैं कि रूस के पोसाइडन का मकसद समुद्री तट पर बसे अमेरिका के शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी लाना है, क्योंकि पोसाइडन ऐसा परमाणु हथियार है जो फटते ही तुरंत तो तबाही मचाएगा ही, इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला देगा कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही नहीं होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम पद के रूप में चौधरी परवेज इलाही ने शपथ ले ली है। परवेज इलाही का संगठन पीएमएलक्यू पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सहयोगी दल है। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हमजा शरीफ की जीत को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हमजा को हटा दिया था। हमजा शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हैं। इस बीच दावा किया गया कि देश में जल्द ही शुरू होने वाली 5G सर्विस से सेना को बड़ी मदद मिलेगी। 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद देश की इंटरनेट सेवा में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी और इंटरनेट की यही रफ्तार सेना के लिए नई धार बन जाएगी। अमेरिकी सेना ने तो पहले से ही 5G सर्विस से जुड़े उपकरणों पर बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में ये भारतीय सेना के लिए भी अहम होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 5G सर्विस से मिलने वाली जानकारी इतनी तेज और सटीक होगी कि जंग के दौरान या फिर किसी ऑपरेशन के वक्त तुरंत फैसला लेने में आसानी होगी। और कहा जा रहा है कि इसके इस्तेमाल के बाद जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर, हर जगह मौजूद सेना के जवान आपस में और भी बेहतर तरीके से मिलकर काम कर पाएंगे, क्योंकि सेना अपने उपकरणों में बड़े पैमाने पर सेंसर का इस्तेमाल करती है जो लगातार जानकारियां एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। फिर वो किसी जवान के हेलमेट में लगा कैमरा हो या फिर विमानों में लगे रडार, दोनों सेंसर की मदद से जानकारी साझा करते हैं। कहा जा रहा है कि 5G सर्विस आने के बाद ये जानकारी इतनी सटीक हो जाएगी कि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। माना जा रहा है कि 5G सर्विस के इस्तेमाल से जंग के हालात में सेना के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे, क्योंकि इसके जरिए जवान सेना की गाड़ियां, कमांड पोस्ट, जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों को एक साथ सटीक जानकारी भेजना आसान होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 5G सर्विस सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक वेल समंदर के बीच एक नाव पर हमला करती दिखाई दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें एक वेल नाव पर छलांग लगाती नजर आई। जो वीडियो सामने आया उसमें एक नाव समंदर में आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। जैसे ही नाव के सामने वेल आई, नाव वहीं रुक गई। तभी वो वेल पानी से बाहर निकली और उसने सामने खड़ी नाव पर हमला कर दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि नाव का पीछे का हिस्सा हवा में उड़ गया और वो पलटते पलटते बची, जिससे वहां हड़कंप मचा और नाव में सवार लोग चिल्लाने लगे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बीते कई हफ्तों से यूरोपीय देशों को झुलसा रही जंगल की आग अब जर्मनी तक पहुंच चुकी है। पूर्वी जर्मनी में नेशनल पार्क में भयानक आग लगी हुई है। बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। यहाँ भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से यहाँ रविवार को आग लगी थी, जिसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दक्षिण पूर्व की ओर कई और देश चेक रिपब्लिक के नेशनल पार्क में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। भारी संख्या में दमकल कर्मियों के अलावा हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं।
बुधवार को लगी इस आग को बहुत हद तक काबू में पा लिया गया था, लेकिन सोमवार को फिर से चली तेज हवाओं की वजह से ये फिर भड़क उठी। पार्क का करीब 30 हेक्टेयर इलाका और बाकी जर्मन सीमा पर मौजूद कुछ इलाके आग की चपेट में हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि अभी आग को बुझाने में कई और दिन लग सकते हैं। हालांकि इस आग की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा को झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक ट्रक में आग लगने से उसमें बैठे क्लीनर की मौत हो गई। टीम इंडिया और मेजबान वेस्टइंडीज के बीच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कॉन्डम का नशे के लिए इस्तेमाल करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि दुर्गापुर में छात्र कॉन्डम का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्गापुर में दवा की दुकानों पर अचानक कॉन्डम की बिक्री कई गुना बढ़ गई। दावा यह है कि छात्र महंगी दारू के विकल्प के तौर पर कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहचान छुपाकर कुछ छात्रों ने भी ये बात मानी। कॉन्डम में भिजा के जल पीने से, पानी पीने से वो तो एक अच्छा नशा होता है। दवा की दुकान चलाने वाले भी बिक्री बढ़ने की वजह जानते हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी भी फ्लेवर्ड कॉन्डम को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। ऐसा करने से वो पानी में शराब जैसा नशा घोल देता है। इसी तरकीब का इस्तेमाल छात्र बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके चलते कॉन्डम की जो मांग वो बढ़ गई है। इस बात की खबर स्वास्थ्य विभाग को भी है, लेकिन इसे रोकने में वो भी लाचार है। दावा किया जा रहा है कि छात्रों का ये प्रयोग उनकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि नशाखोरी का ये तरीका युवाओं के शरीर को पूरी तरह से खोखला बना सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक ऐसा नशा है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि फ्लेवर्ड कॉन्डम में फ्लेवर के लिए अरोमा का और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में लंबे वक्त तक भिगोने से पानी में अल्कोहल घुलने के अलावा कुछ और गैसें भी बनती हैं। ये ऐसी गैस होंगी जो इंसान के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। ये ऐसा बर्ताव करेंगी जिसका अनुमान तक लगाना मुश्किल है। इसके अलावा प्लास्टिक भी इतने वक्त तक भीगने की वजह से जानलेवा हो सकता है, पानी में कुछ कण छोड़ सकता है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि ऐसे पानी को शराब समझकर पीना ठीक ऐसा ही है जैसे फर्स्ट यूज प्लास्टिक को खा लेना। रबड़ भी है इसके साथ, और ये अगर पानी में ये घुल गई तो प्लास्टिक वाला जैसा साइड इफेक्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, मोदी जी ने बैन किया है, तो फर्स्ट यूज प्लास्टिक की तरह ही बिहेव करेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अरे ये क्या, अचानक एक ट्रक दूसरी ओर से आता है और एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेता है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। वीडियो में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता नजर आया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में लोगों ने घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।